हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नौकरी का नोटिफिकेशन निकल रहा है, ये जो निकल रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर, यानी कि अभी 19 दिन के लॉकडाउन और बढ़ाने के बाद 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी कंपनियां जो एम्प्लॉय को निकाल रही है, उसको देखते हुए आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि अभी 10th पास यदि हैं तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि महिला पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन फीस भी यहाँ जीरो रखी गई है, यानी कि कोई फीस नहीं है और घर बैठे आपको ये जो है फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सभी जो युवा हैं जिसको रोजगार की तलाश है, वह भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में उपलब्ध करवा देंगे। तो यहाँ अलग अलग आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा, यहाँ आपको काफ़ी सारे इंटरफेस नज़र आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉय की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, rojgar.government.in की ये वेबसाइट है, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यहाँ अच्छी अच्छी कंपनियों में आप जॉब है प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको आवेदक का नाम यहाँ आपको लिख देना है, यानी कि आपका नाम क्या है। तो अभी हम आपके सामने इसका लाइव फॉर्म भर के बता देते हैं आपको। तो जैसे कि हम प्रदीप के नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं, एक सेकंड, हम प्रदीप के नाम ये फॉर्म भर रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे भरा जाता है। अभी हमने प्रदीप यहाँ जो है आवेदक का नाम लिख दिया है। इसके साथ नेक्स्ट, अब इसके जो हम आपको भिंड, ये भिंड से हैं तो हमने यहाँ भिंड लिख दिया है। अब शहर में भी आप अपना जो है दोबारा भिंड लिख सकते हो, क्योंकि इसका शहर भी भिंड है। तो हमने ये जो है इसका शहर जो आप लोगों को बता दिया, यानी कि सिटी। अब यहाँ मोबाइल नंबर जो है बताए हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ लिखने हैं आपको, तो मोबाइल नंबर आप विशेषकर यहाँ लिख देने हैं, जिस पे आपके रजिस्टर अभी चालू नंबर है वो आपको यहाँ लिखने हैं। चालू नंबर लिखने के बाद यहाँ ईमेल आईडी आप लोगों को लिखनी है। तो अभी ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख सकते हो। इसके साथ आप अपना यूजर आईडी नेम, यूजर आईडी क्या डालना चाहते हो इस पे, यानी कि आपको यहाँ एक आईडी बनानी पड़ेगी, और वो किस प्रकार की बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। इसके बाद आपके पासवर्ड, उस यूजर आईडी के आपको पासवर्ड भी बनाने होंगे, तो आप पासवर्ड भी यहाँ बना सकते हो। इसके साथ कन्फर्म पासवर्ड आपको, यानी कि फिर से पासवर्ड आपको यहाँ लगाने हैं, आपको नए पासवर्ड फिर से लगाने हैं। ये जो पासवर्ड है यानी कन्फर्म करना है इन पासवर्ड को यहाँ, और अधिकतम यहाँ 6 जो आपको बताए गए हैं कि 6 अक्षरों का होना अनिवार्य है। और इसके बाद ये जो कैप्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ लिख देना है। ये कैप्चा लिखने के बाद आपको इस सबमिट के बटन पे, सबमिट एंड प्रोसेस के बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज में कुछ और डिटेल्स आपसे जो है मांगी जाएगी, वो आपको देने के बाद आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही कोई कंपनी की जॉब निकल के आएगी, तो सबसे पहले आपको इसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे, जिस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है, उस मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। ये जो योजना है वो एमपी के लिए निकल के आ रही है, तो यदि आप एमपी राज्य से हैं तो आपके पास बड़ा मौका है, आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आने वाले प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।